रीवा के 50 लाख हड़पने के लिए पति पत्नी ने रची साजिश, फर्जी दस्तावेजों की जांच के बाद हुए गिरफ्तार। डिडोसी पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए पति पत्नी के एक जोड़े को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पत्नी ने बीमा के 50 लाख हड़पने के लिए पति की मौत की झूठी कहानी बनाई, लेकिन बीमा कंपनी ने जब इसकी जांच की तो सच्चाई सबके सामने आ गई। मालूम हो कि इस साल 25 जनवरी को 36 साल के प्रकाश माने ने एक बीमा पॉलिसी में अपना पैसा लगाया था, जिसके तहत अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 25 लाख रुपए और दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में अतिरिक्त 25 लाख रुपए मिलने के प्रावधान है। प्रकाश ने इस पॉलिसी में अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया था। पुलिस के मुताबिक बीमा लेने के महज 3 महीने बाद प्रकाश की पत्नी ने कंपनी को बताया कि 6 मार्च को उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई है और इसके 10 दिन बाद उसने बीमा की तय राशि मिलने का क्लेम किया। प्रकाश की पत्नी अपने इसी झूठे दावे को सच साबित करने के लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केस डिटेल, पुलिस को दिए गए अपने और अपने देवर के बयान के प्रमाण पत्र सभी की फर्जी कॉपियां तैयार की। बीमा कंपनी का दावा है कि वो अपने उस विभाग के संपर्क में निरंतर बने हुए थे जो माने की पत्नी के जमा कराए गए दस्तावेजों की जांच कर रहा था। कंपनी ने उस डिपार्टमेंट को दस्तावेजों की सही जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब आया कि सारे दस्तावेज बिल्कुल फर्जी हैं। इसके बाद कंपनी ने डिडोशी पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी इन सभी दस्तावेजों को परखने के बाद इन्हें नकली पाया और शुक्रवार को पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा आपराधिक साजिश 120B, धोखाधड़ी 420, जालसाजी 465, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी 468, कूट रचित दस्तावेज 471 और अपराध का प्रयास करने 511 का मामला दर्ज किया गया है।